सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज हम इस वीडियो में ACG की लीड प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ECG की रिपोर्ट में देखकर आप पता कर सकते हैं कि जो ECG की रिपोर्ट आपने निकाली है ECG मशीन से वो सही है या नहीं, मतलब कि आप कैसे ECG की रिपोर्ट में ECG की लीड प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस, कई बारी पेशेंट की ECG को निकालते समय कई बार ECG की लीड प्लेसमेंट गलत हो जाती है, जिससे हमें गलत ECG रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ECG की जो लीड है उसमें जो कलर कोडिंग दी हुई होती है अल्फ़ाबेट के साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए आप कैसे प्रॉपर लीड प्लेसमेंट कर सकते हैं, साथ ही कैसे आप ECG रिपोर्ट में देखेंगे कि आपकी जो ECG रिपोर्ट है वो गलत है या सही है। तो ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ECG की लीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो गाइस, जो ECG की लीड्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहला है 3 लीड्स, जिसका यूज़ अक्सर जब पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तब किया जाता है, ECG निकाली जाती है ताकि जो उसका कार्डियक अरेस्ट है उसकी जो डेथ है उसको कन्फर्म किया जा सके। दूसरा है 5 लीड्स, और इसका यूज़ ख़ास तौर पर आपको तब देखने को मिलेगा जब आप अपने कार्डियक मॉनिटर को देखेंगे, वहाँ पर जो चेस्ट में 5 लीड्स लगती हैं, इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, जो रीडिंग आपको मिलेगी वो 5 लीड्स की होती है। और ECG भी आती है कई टाइप की, जिसमें आपको 5 लीड्स की ECG रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। और आगे है 12 लीड्स, और ये ख़ास तौर पर आपको ECG मशीन्स में ही देखने को मिलेगा, और आजकल 12 लीड्स का ही यूज़ किया जाता है आज के टाइम में सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 लीड्स की ECG रिपोर्ट्स के बारे में, उसको कैसे देखना है और उसकी जो लीड प्लेसमेंट है उसके बारे में ही बताऊँगा। तो गाइस, जो 12 लीड्स की जो ECG होती है उसमें 10 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है, और इनमें जो कलर कोडिंग होती है वो 2 तरह की होती है। पहला है AHA, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन ये आपको कहीं कहीं एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने को भी मिल सकता है। और दूसरा है IEC, जिसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे यूरोपियन स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और गाइज, इन दोनों में जो AHA है, मतलब कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ECG लीड्स होती हैं, उनको प्लेस करना काफ़ी आसान होता है, बजाय यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो प्लेसमेंट होती है लीड्स की उनके। तो पहले तो मैं आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस, इसमें जो आपको इलेक्ट्रोड्स की लीड्स देखने को मिलेंगी वो हैं RA, LA, RL और LL। यहाँ पर RA का मतलब है राइट आर्म, LA का मतलब है लेफ्ट आर्म, RL का मतलब है राइट लेग, और LL का मतलब है लेफ्ट लेग। और फिर आपको V1, V2, V3, V4, V5 और V6 आपको इलेक्ट्रोड्स की लीड्स देखने को मिलती हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड में। ओके, तो यहाँ पर इनके नाम के हिसाब से ही आप लीड को प्लेस कर सकते हैं, जैसे RA जो
राइट आर्म की लीड है, उसको राइट आर्म में आप देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपने ऐसे प्लेस करना है, आर ए को लेफ्ट आर्म में, ऐसे ही राइट लेग को आपने जो आर एल है उसको राइट लेग में आपने प्लेस करना है, और एल एल को आपने लेफ्ट लेग में प्लेस करना है। और गाइस जो V1 से लेके V6 तक की लीड्स हैं उनको आपने चेस्ट में प्लेस करना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बहुत ही इजी होता है इनको प्लेस करना इनके अल्फाबेट के नाम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए इनको प्लेस करना चाहते हैं तो V1 से लेके V6 तक तो आप चेस्ट पर इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ होगी आपको, आर ए एल एल और एल और आर एल में होगी। तो इसको याद करने के लिए पूरी दुनिया में एक ट्रिक यूज़ की जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपको हमेशा स्मोक ओवर फायर ये सेंटेंस याद करना है। और गाइज जो स्मोक है उसका रंग कैसा होता है, काले रंग का मतलब ब्लैक, और फायर का रंग कैसा होता है, रेड कलर का मतलब कि लाल कलर का होता है। और जब भी आग लगती है कहीं पे तो जो फायर होगी वो लाल रंग की होगी और उसके ऊपर जो धुआं होगा वो ब्लैक कलर का होगा। और आपने सुना होगा कि दिल में आग लगती है, ये कभी कभी मुहावरा बोला जाता है। तो जो दिल है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो ये जो सेंटेंस है ये लेफ्ट साइड की लीड को प्लेस करने के लिए होता है। मतलब कि जो अपर लिंब और लोअर लिंब है लेफ्ट साइड की, उसको प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसका मतलब है कि जो ब्लैक लीड है वो रेड लीड के ऊपर होती है। और जो दूसरा सेंटेंस है वो है स्नो ओवर द ग्रास, मतलब कि जो सफ़ेद बर्फ़ है वो हरे रंग की घास के ऊपर होती है। मतलब जो स्नो है उसका रंग वाइट होगा और जो ग्रास है वो ऑफ कोर्स ग्रीन कलर की होती है। तो जो वाइट लीड है वो ग्रीन लीड के ऊपर होगी, कहाँ, कौन सी साइड, राइट साइड की अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की कलर कोडिंग है उसको आप समझ सकते हैं और जो इलेक्ट्रोड और लीड्स हैं उनको आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, यूरोपियन कलर कोडिंग में। और यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊँ तो इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके नाम आपको आर एल एन एफ और C1, C2, C3, C4, C5 और C6 आपको पढ़ने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे। तो जो C1 से लेके C6 तक के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अपने सेम चेस्ट पर प्लेस करना है, जैसे हमने V1 से लेके V6 तक के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया था। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, आर एल एन एफ के बीच में, तो उसको आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं, वो है लेफ्ट फुट राइट नीचे। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको याद करना है, मतलब कि जो लेफ्ट फुट जो लेफ्ट है वो एल ए आप माने, तो एल ए का मतलब है लेफ्ट आर्म और फुट मतलब कि जो लेग है लेफ्ट साइड की ही। तो आपने ये हमारा लेफ्ट साइड का आ गया अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और ऐसे ही जो राइट है वो राइट नीचे, तो ये राइट साइड का लिम्ब और नीचे का मतलब फुट, तो राइट साइड का अपर लिम्ब और राइट साइड का लोअर लिम्ब इसमें आ गया। तो आप ऐसे इसे बहुत ही इजी तरीके से गाइस याद कर सकते हैं। अब आपने ये लीड तो प्लेस कर दी और आपने ईसीजी निकाल ली, तब आप कैसे चेकआउट करेंगे कि जो आपने लीड प्लेसमेंट है उसको सही रखा है या नहीं, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ढीले हो जाते हैं या कई बारी जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं होती, तो हमें दोबारा से चेकआउट करना होता है ईसीजी की रिपोर्ट में कि हमारी ईसीजी की जो रिपोर्ट है वो गलत ना हो।
तो आपने ईसीजी की रिपोर्ट में गाइस एक लीड होती है जिसे एवीआर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 12 लीड्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपने अपना सारा फोकस लीड प्लेसमेंट को चेक करने के लिए एवीआर लीड पर डालना है। यहाँ पर जो एवीआर लीड है इसे मिरर इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वेव्स दिख रही हैं, पी वेव, QRX कम्प्लेक्स और टी वेव, ये सारी आपको इन्वर्टेड दिख रहे होंगे, लेकिन आपने पी वेव को देखना है। अगर आपको इन्वर्टेड पी वेव देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लीड प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको अपराइट पी वेव देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लीड प्लेसमेंट है वो गलत है। आप इस कंडीशन को रिवर्स्ड प्लेसमेंट ऑफ लीड कहा जाता है, और ऐसे में आपने दोबारा से अपनी लीड की प्लेसमेंट को चेक करना है। लेकिन गाइस अगर आपकी लीड प्लेसमेंट बिल्कुल सही है और आपको अपराइट पी वेव देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, मतलब कि जो पेशेंट का दिल है वो लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड में है, और ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो गाइस ऐसे आप अपनी लीड प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं, और ईसीजी रिपोर्ट को निकालने के बाद आप अपनी दोबारा से लीड प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।